सब्सक्राइब करें एमजे जीन्स चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमजे जीन्स चैनल। और आज का जो वीडियो है बहुत ही अलग है, क्योंकि इंडिया में पहली बार मैंने आपको किसी भी आपको YouTube चैनल पे नहीं दिखेगा, मैंने आपको पूरी की पूरी जीन्स वॉशिंग की जो प्रोसेस है और उसकी फैक्ट्री इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और जो भी छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि चाहे वो एमपी के हो चाहे एमपी के बाहर के हों, उनको अगर कोई वॉशिंग की कोई भी समस्या आ रही हो तो वो मिस्टर राजेश से बात कर सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है। भोपाल के ही पास में मंडीदीप एक जगह है, वहां पर उनने ये फैक्ट्री डाली है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हम खुद भी पर्सनली उधर से अपनी पूरी वॉशिंग करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, इनकी शी फैब नाम से इनकी फर्म है और जो मंडी जी भोपाल में ही है, हम इनसे काम करवाते हैं। तो सबसे पहला जो ये काम करते हैं वो है कपड़े की फिनिशिंग करना। ये कोई भी वॉशर नहीं करता, लेकिन राजेश भाई करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि काम किस तरह से अच्छे से किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इनका पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं। जो छोटे धागे जो सिलाई के टाइम छूट जाते हैं, ये बहुत बारीकी से हर धागे को साफ कर रहे हैं। इससे होता यह है कि हमें बहुत फायदा होता है, जब हमारे पास जीन्स वॉश होकर आता है तो हमें फिनिशिंग में टाइम कम लगता है और जीन्स की फिनिशिंग और वॉशिंग बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आप देख पा रहे हैं जैसे जीन्स पे कितना अच्छा, इस पर आप लुक देखिए कितना बढ़िया। पूरा ये बैक साइड से है और ये जीन्स फ्रंट साइड से है। पूरा इनने धागा एक एक इसको साफ किया है और आगे ये इसके बाद वॉशिंग प्रोसेस में इसको यूज करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी अब आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये वॉशिंग में, सबसे पहला जो है ये आप जो जीन्स देख पा रहे हैं, अब इसकी समझ लीजिए प्रोसेस बता रही है। एक तरह का बेसिक वॉश जीन्स है। मैं अभी यहीं पर हूँ वॉशिंग के प्लांट में, तो अब इसी जीन्स पे अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो है इसका इसको क्या कहते हैं सर? इसको बोलते हैं अपन, ये जो मशीन है अपनी, ये अपनी वर्टिकल डमी है। हाँ, वर्टिकल डमी अपन ड्राई प्रोसेस करते हैं जीन्स का। अच्छा, दोनों। तो आप ये जो देख रहे हैं इसमें ये मशीन है, इसको डमी मशीन बोलते हैं, और इस पे आपका स्क्रैपिंग और विस्करिंग जो होती है, जो बेसिक स्क्रैपिंग इस पे होती है। अभी आप देखेंगे ये अपने वर्कर हैं, ये इस पे करेंगे। ये विस्करिंग हो रही है जैसे मशीन पे। ये जो प्लांट है ये भोपाल का पहला वॉशिंग प्लांट है, जो कि मंडीदीप में है। राजेश भाई ने अपने खोला है, हम भी यहाँ से अपनी जीन से वॉश करवाते हैं। बहुत ही अच्छा काम होता है इधर। और जैसे आप देख रहे हैं जीन्स में स्क्रैपिंग पूरे हाथ से, डिजाइन पूरा ऐसा होता है। इसमें ऑटोमेटिक नहीं करते, क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे करने से कभी कभार वो फिनिश नहीं आता। बाय हैंड का जो काम होता है उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये जो आप कपड़ा जो जिससे कर रहे हैं स्क्रैपिंग, एक तरह से रेत माल का रहता है, जिससे इसमें डिजाइन जीन्स पे आप जैसा चाह रहे हैं उस टाइप के आप डिजाइन जीन्स पे ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई दी थी, ये उसी का एक तरह का रिप्लिका बन रहा है। अब ये इस पे विस्करिंग हो चुका है, अब इस पे स्क्रैपिंग चालू हो जाएगी। जो आपने जीन्सों के आगे देखा होगा एक वाइट उससे रहता है, अंतर स्क्रैप टाइप का, पूरी गिर किसान होती है, उसके बाद उससे पूरा एक टेक्सचर आ जाता है जीन्स का ऑटोमेटिक। तो जो कोई भी अगर वॉशिंग करवाना चाह रहे हो, जिनका भी छोटा कोई क्लाइंट हो, तो वो इधर करवा सकते हैं। इनका जो मैं आगे आपको वीडियो में यही बता दूँगा कि मिनिमम भी जीन्सों पर बना देते हैं, जो बड़े वॉशेज जैसे नहीं करते छोटे लॉट पर काम, तो ये छोटे लॉट पर भी काम कर देंगे। अगर आपको 50-60 पीस का भी लॉट है उस पर भी ये अपना आपको आसानी से इसको वॉशिंग कर सकते हैं। बहुत ही सफाई से और बहुत ही अच्छा काम होता है, क्योंकि हम लोग खुद ही पर्सनली करवाते हैं। ये जो भी जीन्स है ये भी हमारी ही एमजे जीन्स की प्रोडक्ट है। तो इसका भी कुछ दिनों में आप वीडियो देखेंगे। बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी हमारे पास कि आप एक वॉशिंग जो फैक्ट्री है उसका भी वीडियो बनाएं। मैंने आज कोशिश करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इसमें दे पाऊँ। और कोई भी अगर किसी को अपनी जीन्स की फैक्ट्री है और उसे वॉशिंग कराना है, तो वो बहुत आराम से आपको बहुत अच्छे दामों से वॉशिंग करवा सकते हैं।
सेम टू सेम, जैसे कि ये पहले लेक्चर उनने स्क्रैपिंग करा था, ये सेकंड लेक्चर भी इनने स्क्रैपिंग चालू कर दी है। एक बहुत ही अच्छा फाइन टेक्सचर सामने से जो आ जाएगा रॉ वाला। ये जीन्स का जो बैक साइड रहेगा उस पर भी सेम प्रोसेस से स्क्रैपिंग और दूसरा प्रोसेस किया जाएगा। राजेश भाई, आपके यहाँ जो जीन्स की जो वॉशिंग स्टार्ट होती है वो क्या रेट से करते हैं आप स्टार्ट? अभी जो वॉशिंग के रेंज है मतलब अभी मिनिमम से चालू होती है 50 से लेके 70 के बीच में पूरा वॉशिंग। अच्छा, और उस पर बाकी कोई टेक्सचर वगैरह जैसे करवाता है बर्नआउट वगैरह तो वो सब भी उसमें अलग अलग रेंज के हिसाब से पड़ जाएगा। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि ये जो वॉशिंग है इनका 30-40 रुपीज से स्टार्ट होकर 70-80 रुपीज तक होता है, और आगे मैं आपको वीडियो में इसके देखूंगा कि ये जो भी आपको मैं वॉशिंग दिखा रहा हूँ ये वॉशिंग आपको एक बेसिक वॉशिंग है, ये मेरे ख्याल से 50-60 रुपये के उसमें बीच की रेंज में रहेगी। तो अभी इसमें आपको पूरा फिनिश प्रोडक्ट भी आपको मैं दिखाऊंगा। जो आपने पहला प्रोसेस देखा जो स्क्रैपिंग और रिस्प्रिंग के बाद आप एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में जो रहेगा एक वाइट पीस जो आपने जिसमें दिखा होगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड इसके स्प्रिंग होता है। ये स्प्रे हो रहा है तो केमिकल रहता है जिस कारण जो जीन्स में एक वाइट पीस बन आ जाता है अकॉर्डिंग जैसा भी उनको प्रोग्राम मिलता है जीन्स का उससे ये स्प्रे करके और उससे फिर उसमें वाइट पीस बन अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आ जाता है। जैसे कस्टमर बोलता है कि ज़्यादा वाइट चाहिए या कम वाइट चाहिए अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से वो स्प्रे को मारा जाता है। जीन्स स्प्रे स्क्रैपिंग और विस्क्रिंग हो जाने के बाद जीन्स को फिर इस मशीन में डाला जाता है और वो पानी से धोया जाता है ताकि उसकी जो एक साइजिंग रहता है उसमें कड़कपन जो रहता है जीन्स में रॉ डेनिम में वो एक बार धुलने के बाद उसका पूरा ब्रेक हो जाता है और एक्स्ट्रा जो साइज रहता है जीन्स श्रिंक होता है जो जब ओरिजिनल कपड़ा आता है तो वो श्रिंक होकर भी अपने साइज में आ जाता है। तो अब ये इसको आगे इसमें पानी भरता है, ऑटोमेटिक मशीन है। राजेश भाई, ये पूरी की पूरी ऑटोमेटिक मशीन है? ये अपनी पूरी ऑटोमेटिक मशीन है यहाँ पे वॉशिंग के लिए। अच्छा, अभी फैक्ट्री का पूरा नया सेटअप वगैरह लगाया है इसके लिए। अभी जो प्रोसेस चालू हुई है मेरी, इसमें हम लोग डिसाइड चालू किया है मशीन का गारमेंट का, उसमें क्या होगा जो कंपनी जो आपका गारमेंट्स आपके पास आते हैं उसका साइज मटेरियल चढ़ा होता है, साइज मटेरियल यहाँ पे अपना पूरा निकाल देते हैं। उसके साथ मशीन जो आपको फैक्ट्री की श्रिंकेज होता है जो कपड़े में हेवीनेस होती है वो सारी इसमें निकल जाता है। तो जैसे कि राजीव भाई ने बताया इसमें जो कपड़े में हैवीनेस होती है वो इन मशीनों में धुलने के बाद वो पूरी निकल जाती है, प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा डाई होता है वो भी इस मशीनों में धुलने के बाद निकल जाता है, वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो ये मशीन अब ऑटोमेटिक घूमेगी, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। राजीव भाई, ये इसको घुमाइएगा ना मशीन जो वाली, जैसे इसमें ऑलरेडी है ना आपका, स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर पूरा मशीन रहता है। एक मशीन में कितना आ जाता होगा राजेश भाई? इसमें इसकी जो कैपेसिटी है 60 kg की मशीन है मेरे पास। हाँ जी, इसमें हम मिनिमम 40 पीस एक साथ वॉश कर सकते हैं। 40 पीसेस इसमें एक मशीन में आ जाता है। देखिए किस तरह से धुल रही है मशीन, आप देख पा रहे होंगे अगर ध्यान से, तो ये कलर भी चेंज हो रहा है, ये एक्स्ट्रा डाई है जो आप इस कलर पानी में देख पा रहे हैं झाग में, ये पूरा का पूरा इसमें मशीन में वॉश होने के बाद इसकी साइजिंग जो एक्स्ट्रा हार्डनेस एक्स्ट्रा डाई इस मशीन में पूरा वॉश हो जाता है।
वो मशीन पहले इसमें डाली गई थी स्प्रे विस्क्रिंग और स्प्रे के बाद अब ये हो गई है। इसमें करीबन 8 से 10 मिनट लगता है। अभी राजेश भाई ने सिर्फ अपने लिए इतना छोटा लॉट किया, नहीं तो ये एक मशीन में 40 से 45 पीस आते हैं। अब ये पूरी ये चीज़ निकाली जाएगी बाहर और इसके बाद इसको राजेश भाई किस में डाला जाएगा? हाइड्रो, हाइड्रो में अब इसके बाद जाएगा। ये हाइड्रो मशीन है। जो हाइड्रो मशीन एक तरह से आप देख सकते हो बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन समझ लीजिए। इसमें से एक्स्ट्रा पूरा डाई और एक्स्ट्रा पानी झाग वो सब निकाल दिया जाएगा इसमें से। और इसके बाद भी आगे प्रोसेस है, वो वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको पूरा आपको प्रोसेस आगे दिख जाएगा। ये भारी डिमांड पे वीडियो बन रहा है तो आप इसको पूरा देखिए, आपको यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जींस का पूरा वॉशिंग प्रोसेस है इसमें। इसमें कितना समय लगता है राजेश भाई? एक से डेढ़ मिनट की इसमें हाइड्रो प्रोसेस होता है। हाई आरपीएम मशीन है ये, हाई आरपीएम मशीन है और ये सब बाहर से इंपोर्ट करी हुई मशीन है। जितना एक्स्ट्रा पानी और डाई रहेगा वो इस मशीन में निकल जाएगा। इसके बाद भी आगे प्रोसेस है, वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जो जीन्स का हाइड्रो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है, उसका एक्स्ट्रा डाई एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल चुका है। ये देखते रहिए किस तरह से घूम रहा है पूरा। आपने वॉशिंग मशीन घर की देखी होगी, उसमें भी कुछ इसी टाइप का प्रोसेस रहता है, बस छोटा वर्जन रहता है उसका। ये जीन्स निकल गया है, अभी इसको आप देखेंगे तो इसका श्रिंकेज भी आ चुका है। आगे जो स्प्रे मारा था हल्का सा, इस पर व्हाइटिश पन भी आ चुका है ये वाला, प्लस का जो श्रिंकेज था ये पहले थोड़ा ज्यादा साइज का था, अभी छोटा हो चुका है। इसके आगे भी इसका प्रोसेस अभी और रहेगा। इसमें क्या है अभी प्रोसेस? अभी ये अपना जो गारमेंट हुआ है इसको अपने पीटी स्प्रे किया हुआ है, इसके बाद ड्राई होने के बाद इसको अपन न्यूट्रल करेंगे। अभी इसके बाद इसको न्यूट्रल किया जाएगा, वो प्रोसेस भी अपन अभी आगे देखते हैं। हाँ ठीक है। इसमें सॉफ्टनिंग भी किया जाएगा, जो आप डेनिम देखते होंगे जो डॉबी फैब्रिक रहता है उसमें सॉफ्टनिंग रहता है, वो उसमें सॉफ्टनिंग एजेंट डाला जाता है जिस कारण वो सॉफ्ट हो जाता है। जो फील आएगा वो उसी सॉफ्टनर की वजह से आएगा। अगर आवाज थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है तो मैं कोशिश कर पा रहा हूँ कि जितना हो सके मैं क्लियर वॉइस आपको रिपीट करके बताऊं। अब ये हाइड्रो में से ये जो जीन्स थी वो निकल गई हैं और अब ये जाएंगी सीधे ड्रायर पे, जो कि ये मशीन है, आप बड़ी सी मशीन देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जाएगी। इससे होगा ये कि इसमें जो भी और भी बचा कुचा एक्सेस पानी है वो सब पूरा सूख जाएगा और जीन्स अपनी ओरिजिनल सॉफ्टनिंग और उसमें पूरा एजेंट इसमें मिला दिया गया पहले। और ये इसमें जीन्स इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जैसे हो जाए और इसके बाद ये बिल्कुल जीन्स सूखी हुई बाहर निकलेगी और इसको फिर सुखाया जाएगा और आपकी जो जीन्स है वो जो अपन ने मैंने पहला प्रोडक्ट दिखाया था वो उस टाइप से रेडी हो जाएगा। अब जीन्स का जो ड्रायर प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे कि ये इस मशीन में से निकालेंगे और जिसपे जैसा स्प्रे हुआ था अलग अलग टाइप का वो इसमें निकालेंगे। देखिए इसमें स्प्रे और व्हाइटिश बना चुका है, आप देखिए जो आपने मैंने पहले इसमें इसमें थोड़ा सा बर्नआउट भी किया था क्योंकि पहले से ऑलरेडी मशीन में था, वो प्रोसेस अभी मैंने नहीं दिखाया। और इसको फिर आगे सुखाया जाता है धूप में और यहीं पे इसका प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर ये जो जीन्स है प्रोसेस खत्म होने के बाद ये हमारे को भेज देते हैं, उसमें फिर हम लोग अपना टैगिंग लेबलिंग बटनिंग रिपिट्स वगैरह प्रेस करके पैकिंग करके फिर मार्केट में आगे जाता है। तो आगे मैं अभी आपको जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं मिस्टर राजेश, उनसे भी आपको मैं मिलाऊंगा और उनसे आगे और इसकी जानकारी अपन लेंगे। हाँ तो अपना किस तरह से, जैसे कि जो इंदौर में मैन्युफैक्चरर्स है, भोपाल में तो ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स है नहीं, तो इंदौर में है जबलपुर में है, तो वो आपसे वॉशिंग कराना चाहे तो करवा सकते हैं? मैं यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट किया है वो मेनली हमने भोपाल और अपने आसपास के रीजन स्टार्ट किया है, क्योंकि भोपाल में मैंने देखा था काफी सर्च करने वाले भोपाल में वॉशिंग प्लांट एक भी नहीं था और हमारे बनाने वाले यहाँ पे काफी लोग हैं, भाई है, काफी अच्छा बिजनेस है यहाँ पे जींस का। हम गए काफी पुराने कस्टमर है जीन्स के, हम जीन्स उनसे पहले परचेज भी करते थे और क्वालिटी काफी अच्छी उनकी, इसकी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा इनका भी काम हो जाएगा थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा, इसलिए हमने अपना खुद का जीन्स वॉशिंग का प्लांट लगा दिया भोपाल में। उसी के अलावा इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको कन्वीनियंट पड़ेगा यहाँ पे,
या इनको कौन कुछ सैम्पलिंग कराना है, कुछ राजीव भाई आपके रेट्स क्या रहेंगे वॉशिंग में जो रहते हैं पूरे? वॉशिंग का जो रेट्स अपना बेसिक रेट हमने स्टार्ट किया है वो 40 रुपीज से लेके 150 तक जाता है हमारा पूरा। उसमें सभी कुछ हो जाएगा जो बर्न आउट जो भी आजकल फंकीज चल रहा है पूरे, जो भी आपके लोगों की डिमांड्स होती है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोसेस का रेट उसके हिसाब से चलता जा रहा है। और बाकी आप रेट जो आप बताए 40 से 150 रुपए, मैं भी इनसे करवाता हूँ। हमारी जो वॉशिंग रहती है वो भी 70-80 रुपए 90-100 रुपए तक भी रहती है। और इसमें खासियत राजेश भैया जो दे रहे हैं जो बाहर के हैं, जो मैं इंदौर के हमारे मैन्युफैक्चरर छोटे जो जबलपुर के हैं या जो भी बाहर के स्टेट के भी हैं, राजेश भैया आपको पूरा यहां से एक तरफा ट्रांसपोर्ट आपको देंगे ताकि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार अगर मैं इंदौर भोपाल भेजते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आएगा, जींस की कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो ये सब की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है भैया अपनी तरफ से एक तरफ बेयर करेंगे जिससे आपका जीन्स का कॉस्टिंग भी नहीं बढ़ेगा। और इसमें जो लॉट साइज है, जो बड़े जो दूसरे वॉशर रहते हैं वो 70-80-100 पीस का एक लॉट साइज मांगते हैं। राजेश भाई ने जो अपना यहाँ पे चालू किया है काम, अगर आपका 30-40 पीस का भी एक लॉट साइज है एक कलर में तो ये वो भी करके देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जीन्स में फिनिशिंग वगैरह भी खुद अभी इनने करी है, जबकि हमने इन्हें बोली नहीं थी लेकिन ये फिर भी करते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि आप क्यों कर रहे हैं इसमें, तो इनने कहना है कि मैं चीज चाहता हूँ कि जो बने तो वो आपको भी कम मेहनत लगे ताकि आपका भी समय बचे और आपको चीज पसंद आए। तो ये आगे भी इस तरह से इन्हें बोला है कि हम अपने कस्टमर्स को पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे से सर्व कर पाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मैं आगे भी आपको और वीडियोस डेनिम से रिलेटेड बताऊंगा। और जो राजेश भैया का नंबर है और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, प्लस आपको अभी जो वीडियो में नीचे भी आपको फ्लैश हो रहा होगा उनका नंबर, तो जिस किसी को भी मैन्युफैक्चर को वॉशिंग से रिलेटेड काम हो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये पर्सनली राजेश भैया का ही नंबर है, तो वो आपको अटेंड करेंगे और आपको जो भी इनसे रेट्स की वगैरह की बात करनी है वो कर सकते हैं। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट जरूर करिए बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। और मैं आगे आने वाले टाइम में अपने एमजी जींस चैनल के और भी नए आर्टिकल्स आपको यूट्यूब के ऊपर अपडेट्स देता रहूंगा। तो जय हिंद जय भारत।